हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल कर लें, कर देना वीडियो को लाइक। क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन आएगा तो फिर करोगे? सही बात है, तो करते हैं। हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आएंगे हम, आ जाएंगे इंडिया, आ जाएंगे, आप सब्र करें, हमसे मिला करो, हमसे मिलना फिर आगे सब। हाँ। तो आज की जो वीडियो लेकर आए इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई बहुत ज्यादा जो है ना पाकिस्तानी वो हिंदू टेंपल में जाना स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी मतलब वहाँ पे शायद वो पूजा भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ टाइटल था। तो नहीं नहीं, पाकिस्तान की ये वीडियो है, तो ऐसा करते हैं इसमें देखते हैं अभी हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ जी, और हमने चैनल रिएक्शन पे महाभारत भी बना रहे हैं, मे भी आप सबको नहीं पता, उधर पता नहीं क्यों नहीं कर दे कुछ है, वो वहीं का मजा आया हुआ है देख लेना, वो भी जाके वो भी सब्सक्राइब कर देना, देखते हैं आज। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे मंदिर लिए चलते हैं जहां के बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। यह मंदिर इतना रहस्यमयी है कि आतंकवादी भी यहां जाने से डरते हैं। इस मंदिर में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी करते हैं पूजा। अच्छा। ये एक ऐसा मंदिर है जहां की यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी कठिन है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि यह स्वतः प्रकट हुआ है। यही नहीं, मुस्लिम आक्रांता भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। आखिर कहां है यह मंदिर और क्यों करते हैं मुस्लिम भी यहां पूजा, जानेंगे आज के वीडियो में। तो मित्रों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि 51 शक्तिपीठों में से 42 शक्तिपीठ तो भारत में हैं, परंतु 10 शक्तिपीठ विदेशों में हैं, जिनमें से 4 बांग्लादेश, 2 नेपाल, 1 श्रीलंका, 1 तिब्बत तथा 2 शक्तिपीठ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के 2 शक्तिपीठों में से एक है माता हिंगलाज भवानी शक्तिपीठ। यह मंदिर पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान के लसबेला कस्बे में किरथार पहाड़ों की तलहटी में हिंगोल नदी के किनारे स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ माता सती का सिर गिरा था। अच्छा। इसीलिए शक्तिपीठ का सभी शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख स्थान है। मित्रों बलूचिस्तान के विषय में तो आप सब जानते ही हैं किस तरह पाकिस्तानी सेना वहां के नागरिकों पर अत्याचार करती है। बलूचिस्तान के लोग आए दिन पाकिस्तान से आजादी की मांग करते हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जिस पाकिस्तान में हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, जिस पाकिस्तान में बाबरी विध्वंस के बाद सैकड़ों बचे खुचे मंदिर नष्ट कर दिए गए, वहां यह मंदिर आखिर कैसे बचा रह गया, वह भी बलूचिस्तान में जहां पाकिस्तानी सेना का अत्याचार जग जाहिर है। यह शक्तिपीठ इतना शक्तिशाली है कि पाकिस्तानी सेना व आतंकवादी इस मंदिर से थर थर कांपते हैं। यहां पिंडी रूप में माता विराजमान है जो कि माता का स्वयंभू रूप है जो खुद ही गुफा में प्रकट हुआ है। यह मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण, देवी भागवत पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। मुगल काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर को नष्ट करने की भी भरसक कोशिश की थी, परंतु वह इस मंदिर की एक शिला भी ना हिला सके। कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद धार्मिक उन्माद से पीड़ित कुछ धर्मांधों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे हवा में ही लटके रह गए। कई बार पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इस मंदिर को नष्ट करने के प्रयास किए, परंतु हर बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी रूह तक कांप गई। कुछ का तो परिवार ही समाप्त हो गया तो कुछ अपाहिज हो गए, उनका जीवन एक बोझ बन गया। यही कारण है कि अब पाकिस्तानी कट्टरपंथी व आतंकवादी इस मंदिर से इतना डर गए हैं कि वे इसके आसपास भी नहीं फटकते। हर बार उन्होंने कोशिश तो बहुत की परंतु मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, और इसीलिए हिंदुओं के साथ साथ स्थानीय मुसलमानों में भी इस मंदिर के प्रति काफी श्रद्धा है। दरअसल यह श्रद्धा हृदय से नहीं बल्कि डर के कारण है। जैसा कि हर कोई जानता ही है कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी को भी पूजनीय नहीं मानते, वह किसी को उसके बराबर भी नहीं मानते,
और मूर्ति पूजा को तो पूरी तरह एक गुनाह के तौर पर देखते हैं। ऐसे में स्थानीय मुसलमान आखिर क्यों हिंगलाज माता की पूजा करते हैं? इसका कारण यह है कि जब उन्होंने देखा कि जिस किसी ने भी मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो उसका परिवार नष्ट हो गया, वह स्वयं भी अपाहिज हो गए। ऐसे में वह अच्छी तरह समझ गए कि इस मंदिर में ईश्वरीय शक्ति है और यदि उन्होंने इस मंदिर की पूजा नहीं की तो उनका भी अहित हो सकता है। और इसीलिए हिंगलाज मंदिर हिंदुओं के साथ साथ स्थानीय मुसलमानों के लिए भी पूजनीय है। यहाँ हिंदू व स्थानीय मुसलमान सम्मिलित रूप से पूजा करते हैं। मंदिर के श्रद्धालुओं को देखकर पता ही नहीं चलता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। हिंदू लोग इसे हिंगलाज माता मंदिर कहते हैं, वही मुसलमान इसे नानी मंदिर या नानी का हज कहते हैं। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, मिस्र व ईरान के मुस्लिम भी यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। यही नहीं, इस मंदिर की देखरेख और यहाँ की व्यवस्था भी स्थानीय मुस्लिम ही देखते हैं। जिस तरह हज यात्रा के लिए मुसलमान को हाजी कहा जाता है, उसी तरह जो मुस्लिम औरतें यहाँ दर्शन करने के लिए आती हैं, उन्हें हाजियानी कहा जाता है। मुस्लिम समाज में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। हिंदुओं में भी यह मानता है कि भले ही कोई चार धाम यात्रा कर ले, काशी अयोध्या में स्नान और पूजा पाठ कर ले, परंतु जब तक हिंगलाज माता का दर्शन नहीं करता तब तक सब व्यर्थ है। हिंगलाज माता का दर्शन अमरनाथ यात्रा से भी कठिन है। हिंगलाज माता मंदिर तक पहुंचने में 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है और इस रास्ते में 1000 फुट ऊंचे पहाड़, दूर तक फैला सुनसान रेगिस्तान, जंगली जानवर से भरे जंगल तथा 300 फीट ऊंचा मठ ज्वालामुखी पड़ता है। इन सबको पार करने के साथ साथ डाकुओं और आतंकियों का भी खतरा बना रहता है। यहाँ जाने वाले यात्री 40-50 लोगों का समूह बनाकर आगे बढ़ते हैं। अकेले इस मंदिर की यात्रा करना भी मना है। हिंगोल नदी के किनारे चंद्रकूप पहाड़ के ऊपर एक गुफा में माता हिंगलाज का मंदिर स्थित है। यहाँ बगल में भगवान शिव भीम लोचन भैरव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मंदिर परिसर में भगवान गणेश तथा माता कालिका की भी प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में किसी तरह का कोई दरवाजा भी नहीं लगा है। कहा जाता है कि भगवान राम भी यहाँ आकर हिंगलाज माता की पूजा अर्चना कर चुके हैं। इसके अलावा परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि भी यहाँ कठोर तपस्या कर चुके हैं। एक मान्यता यह भी है कि नाथ पंथ के संस्थापक और भगवान शंकर का रूप कहे जाने वाले गुरु गोरखनाथ भी यहां तपस्या कर चुके हैं। हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले दो शपथ लेनी पड़ती हैं। पहली शपथ यह कि माता के दर्शन करके वापस लौटने तक संन्यास ग्रहण करना होगा और दूसरी शपथ यह कि यात्रा के दौरान कोई भी यात्री अपनी सुराही का पानी अपने साथी यात्री को भी नहीं देगा, चाहे कोई रास्ते में प्यास से तड़प तड़प कर मर ही क्यों ना जाए। कहा जाता है कि भक्तों की परीक्षा लेने के लिए यह दोनों शपथ प्राचीन परंपरा है और अभी भी चली आ रही है। इन दोनों शपथ को पूरा नहीं करने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसके अलावा मंदिर आने वाले ऐसे श्रद्धालु जो विशेष मनोरथ पूर्ति के लिए आते हैं, उन्हें 10 फीट लंबे अग्नि की धधकते माता की चूल से गुजरना होता है। कहा जाता है कि चूल से गुजरने के बाद हर हाल में उनकी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही चूल से गुजरने में उन्हें कोई शारीरिक नुकसान भी नहीं होता। माता रानी की कृपा से ना तो उनके पैर जलते हैं और ना ही छाले पड़ते हैं। 10 फीट लंबी आग से धधकती चूल वह आसानी से पार कर लेते हैं, जैसे वह अंगारों पर नहीं बल्कि फूलों पर चल रहे हैं। चूल में अंगारों पर चलते हुए भक्तों का विश्वास और माता रानी का चमत्कार जो भी देखता है वह देखता ही रह जाता है। तो मित्रों, आपका माता के इस दिव्य मंदिर के विषय में क्या सोचना है करके बताएं। मिलते हैं आप जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। यार मैं तो बड़ी हैरान हुई देख करके, आग में चल कर तो हमें उनका बिल्कुल भी जो होता है पाँव नहीं जले और जाने में भी इतना कोई 2-3 घंटे का सफर है जो पैदल ही आपको सफर तय करना पड़ता है और उसमें आपको पानी भी नहीं पीना होता, चाहे वो आप प्यास से मर ही क्यों ना लेकिन जाता ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो एक रवायत होती है ना कि ऐसा करना जरूरी होता है। तो जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो ना, उतरते हो, आपको इतनी ज्यादा सांस फूलती है, सांस फूलती है, आपको जगह जगह बहुत ज्यादा प्यास फील होती है। मैं तो एक दफा जिंदगी में चढ़ी हूँ, इतना बुरा हाल होता है ना
कि आप तो ऐसे लगता है जैसे ना मर जाना। जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको तो शायद आदत होती है, लेकिन हम जैसे लोग जो कभी गए ही नहीं है ऐसी जगहों पे, उनके लिए तो एक मरने का मुकाम होता है। लेकिन फिर भी वहां पे लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, मन्नत मुराद पूरी करने के लिए लोग ये कठिन जो होता है ना एक सफर तय भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी मन्नत मुराद, क्योंकि एक इंसान जब किसी मुसीबत में गिरा हुआ होता है ना तो वो कुछ भी कर लेता है, तो उसके लिए वो जरूरी होता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर जाते हैं इकट्ठे और मानते भी हैं, और वहाँ पे उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। तो बलोचिस्तान में है भाई, बलोचिस्तान का एक एरिया है, वहां पे पाया जाता है, जहाँ पे बोलते हैं बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन इन खतरों को मतलब कुछ भी ना समझ जाते लोग, ताकि भाई वो जो है ना मतलब पहुंचा सही दूसरे की मदद कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत यार हैरान कुन मतलब एक जगह पे मंदिर है का, बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल हालात देकर लोग जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज ये जानकर, फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। तो उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता है।